नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी हरियाणा। बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम में इस वक्त हमारे साथ उमेश अग्रवाल जी हैं, और बताना चाहूंगा कि भाजपा सरकार, भाजपा को छोड़ आज ये आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। और सबसे पहले बात करने के लिए हमारे साथ उमेश अग्रवाल जी हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन से वो कारण रहे और अब क्या जो थीम लेकर आए हैं पार्टी के अंदर, किस तरीके से जो है क्षेत्र के विकास के लिए अब काम करने वाले हैं। सर, स्वागत आपका पंजाब के। थैंक यू, धन्यवाद। सर, भाजपा के अंदर आप रहे, काफी सक्रिय आप पार्टी में रहे, मगर कुछ कौन से वो कारण रहे कि भाजपा का आप दामन छोड़ आपको आम आदमी पार्टी में आना पड़ा? मैं 2007 से आज तक भारतीय जनता पार्टी में था, और भारतीय जनता पार्टी आज वो पुरानी पार्टी नहीं रही। वहाँ कार्यकर्ताओं का मान सम्मान अब नहीं है। मुख्यमंत्री पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के साथ मिल गए हैं, भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठ गए हैं। इसलिए अब कोई भी जो सच्चा ईमानदार कार्यकर्ता है, जिन्होंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है, वो आज पार्टी में नहीं रहना चाहते। बहुत सारे लोगों ने आज भी पार्टी छोड़ी और निकट भविष्य में बहुत सारे लोग छोड़ने वाले हैं। कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में प्रचंड भी जो जीत है वो हासिल की है, तो कहीं ना कहीं जो अब ये जो ताता है इसी तरीके से नेताओं को अब लगा रहेगा और पार्टी को छोड़ने का जो काम है अब नेता करेंगे। और ऐसे में आपके पास ऐसी कोई जानकारी हो जो आपके साथ आपके समर्थक जो लोग हैं अब जो आम आदमी पार्टी का दामन अब थामने वाले हों? मेरे साथ 20 से ज्यादा पूर्व विधायक संपर्क में है, और मैं समझता हूँ कि अगले एक महीने के अंदर 20 से अधिक पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता वो पार्टी छोड़ेंगे, भाजपा छोड़ेंगे, या ये कहें कि हम अन्य पार्टियां छोड़ करके आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल होने का कारण भाजपा की कमियां थी, या फिर जो आम आदमी पार्टी की जो मानसिकता है, या फिर कह सकते हैं कि जो उसकी विचारधारा है, विचारधारा से आप अट्रैक्ट हुए हैं, या फिर भाजपा की कमियों की वजह से अट्रैक्ट हुए हैं? आम आदमी पार्टी में शामिल होने का कोई एक कारण नहीं है, अनेक कारण है, जिसके अंदर जैसे आपने बताया कि भाजपा की कमियां भी हैं। आज भाजपा के नेताओं पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप हैं, मुख्यमंत्री किसी कार्यकर्ता की सुनते नहीं है, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम आम आदमी पार्टी के नीतियों को देखें तो आम आदमी के मुद्दे की बात पार्टी करती है। आम आदमी का मतलब कि ये जो आदमी रेड़ी लगाता है, पटरी लगाता है, खोमचा लगाता है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, मजदूरी करता है, वो सब आम आदमी है। और यहाँ तक कि जो साधारण वर्ग है, मध्यम वर्ग है, वो सब भी आम आदमी पार्टी है। और इनके हित की अगर कोई बात आज देश में पार्टी करती है तो केवल आम आदमी पार्टी करती है, केजरीवाल जी करते हैं। और यही कारण है कि देश के अधिकतर लोग जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, वो सब आम आदमी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो सर, क्या माना जा सकता है कि अपने, क्योंकि सदर बाजार के आसपास का जो इलाका है, जो पूरा जो इलाका पड़ता है सेक्टर 5 सदर बाजार के आसपास का, इस इलाके में जो है आप काफी सक्रिय रहे हैं काफी लंबे समय तक, और आप जैसे ही भाजपा सरकार की जब दूसरी जो कार्यकाल जब आया और आप विजय नहीं हुए, मगर जिस तरीके से आपको दरकिनार कर दिया गया, तो ऐसे में जो वो लोग थे काफी परेशान थे इस चीज को लेकर भी, बहुत सी बार जो है लोगों की बातें भी सामने आई। तो अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का आपने दामन थामा है, तो क्या मान सकते हैं कि क्षेत्र के अंदर कौन कौन से मुद्दे जिनको पर अब मुख्य तौर पर लड़ेंगे, जिसके लिए आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों पर हम काम करेंगे। पार्टी के संगठन जिस तरह का आदेश करेगा उन्हीं कार्यों को हम करेंगे और उनके साथ मिलकर के काम करेंगे। आज मैं पहली बार आम आदमी पार्टी के कार्यालय में आया हूं, वरिष्ठ कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। भविष्य में इन सब साथियों के साथ बैठ करके हम विचार विमर्श करेंगे और जो ये निर्देश कहेंगे, जो ये निर्देश देंगे, उनके अनुसार ही हम सब मिलकर के काम करेंगे। सर, भाजपा के जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ पे भी आज आरोप लगे हैं, पत्रकारों को बंदी बनाकर जबरन वीडियो डिलीट कराने का, कुछ भ्रष्टाचार की बातें भी सामने आई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जो बात आप कह रहे हैं वही मुद्दे हैं पार्टी छोड़ने के। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकतंत्र के अंदर के चौथा स्तंभ जो प्रेस है उसको भी धमकाया जा रहा है या उनको बंधक बनाया जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। और उससे भी बड़ी बात यह है कि नेतृत्व उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये उससे भी ज्यादा दयनीय स्थिति है पार्टी की, इसलिए सब लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। जी, धन्यवाद। हमारे साथ जिला अध्यक्ष सागर जी भी, हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक मजबूत जो इंसान है, मजबूत नेता जो कहे जाते हैं गुरुग्राम के उमेश अग्रवाल जी, अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है, जिला अध्यक्ष आप हैं, आप अभी तक जो है आम आदमी पार्टी की कमान संभाले हुए थे, तो ऐसे में कितना मजबूत मान रहे हैं अब उमेश अग्रवाल जी के आने के बाद? आज गुड़गांव के इतिहास में और अपने हरियाणा के इतिहास में राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे दिल्ली के हेड ऑफिस में बहुत से पूर्व MLA ने आज ज्वाइन किया है, जिसमें मुख्य रूप से
उमेश अग्रवाल जी गुरुग्राम विधानसभा से पूर्व एमएलए रहे हैं और रिकॉर्ड मतों से 84,000 वोटों से जीत के आए हैं, जिसका अभी तक रिकॉर्ड है और वो ब्रेक नहीं हुआ है। हमारे साथ बैठे हैं जावेद साहब। जावेद साहब अपने आप में एक शख्सियत है मेवात की। जावेद साहब के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। हम जावेद साहब जी से बात भी करेंगे। जावेद साहब बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के आम आदमी पार्टी के अंदर उन्होंने अपनी आस्था जताई है। केजरीवाल जी की गुड गवर्नेंस को इन्होंने उसमें विश्वास दिलाया है और आने वाले समय में केजरीवाल जी की नीतियों पर चल के हरियाणा का विकास करना है, गुड़गांव का विकास करना है। और अगर कोई अल्टरनेट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का तो वो मात्र आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी आने वाले समय में आप देखेंगे पटौदी से, सोना से और बहुत जो साथी हैं जो पार्षद लेवल के हैं, जिला परिषद से हैं और जो स्थानीय निकाय पर जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारे पास हजारों की संख्या में उनका कॉल आ रहा है और वो ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं मेयर का कार्यकाल पूरा होने से पहले मेयर अपने आप ही स्वयं इस्तीफा दे देंगे। जी धन्यवाद। हमारे साथ जावेद अहमद जी भी, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जावेद जी, मेरा आपसे भी एक सवाल है कि आपको आम आदमी पार्टी में क्या चीज ऐसी थी जो खींच लाई या फिर भाजपा की ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको धकेल आई? देखो, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बीएसपी पार्टी का मैं कोई जिक्र नहीं करना चाहता। रहा सवाल आम आदमी पार्टी का, जिसका नाम ही आम आदमी पार्टी हो गया, ये सचमुच में ही आम आदमी की पार्टी है और देश को आम आदमी ही चलाता है। आज देश को मुश्किल से 4 आदमी चला रहे हैं, चाहे स्टेट हो या पूरा देश हो, 4 आदमियों का देश नहीं है, आम आदमी का देश है। आम आदमी से चलना चाहिए। केजरीवाल जी के जो गवर्नमेंट है वो आम आदमी से चलती है, आम आदमी की सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता है। मैं तो इनके इस कार्य को देखते हुए और अग्रवाल साहब के पीछे जैसे बात हुई और भाई डागर साहब ने भी कहा, तो इन चीज़ों पर भरोसा करके और इनको देखते हुए उम्मीद की है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे और आम आदमी की एक एक चीज को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि मेवात के जो मुद्दे अब तक तो दबकर रह गए थे वो उभर जाएंगे? बिल्कुल, उन्हीं को उभारने के लिए आए हैं हम, तो उन्हीं को उभारने के लिए आए हैं। पार्टी तो और बहुत थी, अगर एमएलए बनना था या उनमें कोई हमें सीट चाहिए थी तो बहुत पार्टियां थी, लेकिन हम आम आदमी के आम मुद्दों को उठाने के लिए इस पार्टी में आए। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जावेद अहमद। अगर आपने बाइट करनी है तो हमारे साथ जावेद अहमद जी हमारे साथ थे और साथ में गुरुग्राम से भाजपा के पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल जी थे, जिनकी बातें हमने आपको सुनवाई, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो भाजपा की जो कमियां हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ इनको धकेल दिया है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा के चलते जो है कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं एक के बाद एक जो है आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, तो ऐसे में इनका आम आदमी पार्टी में आना कितना जो है असर डाल पाएगा हरियाणा की राजनीति पे, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।